हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तक का अंग्रेजी कक्षा 5 का 6वां वीडियो। ये आपको पुस्तक 2024-25 में भरने के लिए दी गई है, तो इससे आपके जो वार्षिक पेपर और अर्धवार्षिक पेपर होंगे उनमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम इसका सब हल देखने वाले हैं। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, तो आप उसको चलाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेसन 6 होने वाला है जिसका नाम है अवर फेस्टिवल, इसका मतलब होता है हमारे त्यौहार। तो यहाँ पर इससे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको लगा लेते हैं। तो देखिए क्या दिया है, पहले दिया है सही विकल्प चुनकर लिखें। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू। राम कहाँ आए थे लौट के, रामेश्वरम, बनारसी या फिर यहाँ पर मथुरा या यहाँ पर अयोध्या। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अयोध्या, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा, सतीश टेक्स द खालिस्तान एंड रशेस टू द प्लेग्राउंड। ऑप्शन है बॉल, स्वीट्स, बैट या फिर बैग। तो इसका सही हो जाएगा वो क्या, मिठाइयाँ लेकर प्लेग्राउंड की ओर भाग गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन थर्ड, इसको देखेंगे हम। यहाँ पर दिया है ऑन दिवाली पीपल लेट ऑफ, यानी दीपावली के दिन जो है वो क्या चलाते हैं। तो ऑप्शन है फायरवर्क्स, अर्थेन लैंप्स, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स या फिर स्वीट्स। तो इसका सही हो जाएगा फायरवर्क्स, यानी पटाखे। अगला है आपका चौथा, द चीता इज़ वेरी फास्ट, चूज द करेक्ट ऑपरेटिव ऑपोजिट वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, फास्ट का हमसे विलोम शब्द पूछा है, ऑप्शन आपके चार दिए गए हैं। तो फास्ट का क्या होता है आपका विलोम शब्द, यहाँ पर स्लो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपका पाँचवा, तो यहाँ पर लिखा है देयर इज टॉय द फ्लोर, ऑप्शन आपके यहाँ पर चार दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसके साथ लगेगा ऑन द फ्लोर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं तो इनको भरना है। तो ये पहला खाली स्थान दिया गया हमारा, तो इसमें लिखा है बी वर्शिप गॉडेस ऑन द फेस्टिवल ऑफ दीपावली। तो दिवाली के दिन हम किसकी पूजा करते हैं, तो पहले हम भरेंगे आप लक्ष्मी जी, ठीक है। तो पहले में हो जाएगा लक्ष्मी। इसके बाद है सातवां, एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ राम रमजान इज सेलिब्रेट, तो इसमें भरेंगे आप क्या, ईद। इसके बाद आठवें में दिया है आई खाली स्थान आकी, तो इसमें भरना है आपको हैव, आई हैव आकी। नौवां दिया है देयर इज रेनबो, तो इसमें भरना है ए, देयर इज आ रेनबो, इसमें ए भरेंगे। इसके बाद दसवां है द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड शॉर्ट, तो इसमें भरेंगे आप लॉन्ग, तो लॉन्ग भर लेंगे जो यहाँ पर ये दिया गया है एल ओ एन जी। तो इस प्रकार से आपके खाली स्थान पूरे हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये दिया हमारा ग्यारहवां, तो ग्यारहवें में आपसे पूछा गया है यहाँ पर देखिए, इज इंडिया अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, क्या भारत जो देश है वो त्योहारों का देश है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शब्द लिखेंगे यस, ठीक है, यस लिख देंगे और ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ये दिया गया है दूसरा बारहवां, इसमें है बारहवीं में है रीअरेंज द वर्ड्स एंड यहाँ पर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इनको आपको लाइन से लगाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखेगा, इसको आपको लगाना है एवरी वन पुट्स न्यू, यहाँ पर हो जाएगा पुट्स ऑन न्यू क्लॉथ्स। तो पहले नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से आंसर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तेरहवां, लिखेंगे आप व्हाट डिड सतीश फ्रेंड गौतम सेंड टू हिम, सतीश के फ्रेंड ने गौतम ने क्या भेजा था। तो इसको लेटर भेजा था, यानी पत्र, तो लेटर हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौदह, इसमें आपको दिया गया है कि आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पिक्चर में से ढूँढना है। तो पहले में लिखा है कैट, तो कैट में आप इसको सर्कल करेंगे इस वाले को, दूसरे में है बॉक्स, तो बॉक्स ये है आपका, इस पर सर्कल कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं। अगला है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है एक या दो वाक्य में, तो इसका लिखेंगे आप। तो यहाँ पर इन द लिखेंगे इन द मॉस्क्यू, ठीक है, इन द मॉस्क्यू। तो यहाँ पर लिखा होगा इन द मॉस्क्यू पीपल असेंबल ऑन ईद, तो आंसर लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 में क्वेश्चन में आपको क्या करना है, व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली। तो इसका आप आंसर लिखेंगे बिकॉज टुडे राम
लॉर्ड राम रिटर्नड टू अयोध्या आफ्टर डिफीटिंग रावण, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसको लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद अगला है आपका 17वां क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, तो इसका आप लिखेंगे वी सेलिब्रेट, यहाँ पर वी डेकोरेट आवर हाउसेस, ब्रश्ड द क्रैकर्स, मेक स्वीट्स एंड वेयर न्यू क्लॉथ्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 17वें का। इसके बाद आप 18वें क्वेश्चन को देखेंगे, तो ये रहा हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर, तो ये चित्र बने हुए हैं, इनके नीचे इनके नाम लिखने थे, तो ये ट्रेन का चित्र है तो इसलिए ट्रेन लिखा, ये आपकी झोपड़ी है इसलिए लिखा हट HUT, ये गाय का चित्र होगा तो आप लिखेंगे काऊ, और ये बैल है इसलिए क्या लिखेंगे ऑक्स। इसके बाद ये आप बैग है तो ये बैग हो जाएगा, तो आप देख कर भर लीजिए अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 19वां है, तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 5 वाक्यों में लिखने हैं, तो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन, यानी आपको ये शब्द दिए गए हैं इनसे आपको एप्लीकेशन बनानी है, तो यहाँ पर ये लिख ही दिया है उन्होंने, यहाँ तक के ये पॉइंट थे आपके, यहाँ से ये डेट डाल दी है, ये 2 लिख दिया, इसके बाद आपको लिखना है, तो देखिए आप यहाँ से उतार लीजिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका, तो इससे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से लिखेंगे द हेड मास्टर, स्कूल का नाम दिया है, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सर, फिर लिखेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से आई एम गोइंग टू अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज, आई एम अनएबल टू कम टू स्कूल, इसके बाद नाम लिख देंगे अर्जुन तिवारी, तो इसको आप अच्छे से लिखकर कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में आपको, तो यहाँ दिया गया है कि चारू प्लानेड अ विजिट विथ हर फैमिली आफ्टर विजिटिंग द नोटिस्ड द फॉलोइंग डिटेल्स इन हर डायरी, हर डायरी इज बीइंग शेयर्ड बिलो, यानी उसने क्या है घूमने का प्लान बनाया था और घूमकर जो आई तो उसने यहाँ पर पूरी अपनी डायरी में लिखा कि किस दिन कहाँ गई थी वो, यानी 12 तारीख को ट्यूजडे था उस दिन वो घूमने गई थी यहाँ पर डैम, इसके बाद 13 तारीख को क्या था बुधवार, उसके दिन क्या गई थी घूमने के लिए जू चिड़ियाघर, 14 तारीख को थर्सडे था, इस दिन उसने क्या किया लंच किया 11:30 बजे इन रेस्टोरेंट, इसके बाद 14 तारीख में उसने 3 काम और किए, तो यहाँ पर क्या किया एक मूवी देखी उसने दोपहर में, और इसके बाद उसी तारीख को वो लौट के आ गई थी 14 तारीख में, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर देना है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है ऑन विच डेट चारू वेंट टू सी द डैम, तो डैम को देखने के लिए किस डेट को गई थी, तो डैम ये दिया है कितनी तारीख को गई थी 12, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 12, 6 और 7, तो ये आंसर हो जाएगा इस वाले का। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये दिया है आपका दूसरा, व्हाट डिड सी डू ऑन वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे को उसने क्या किया, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो ये वेडनेसडे है, तो विजिटेड टू कहाँ गई थी जू, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर दिख जाएगा। इसके यदि आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका के सभी वीडियो देखने हैं यानी सभी पार्टों का हल चाहिए तो आप किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको सबसे पहले इस वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नया टैब खुल जाएगा, इस नए टैब में आपको यहाँ पर देखना है इसमें प्लेलिस्ट, तो जहाँ भी प्लेलिस्ट दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से टैबें आपकी खुलकर आ जाएंगी, इनमें से जो टैब आपकी यहाँ पर खुल के आने वाली है तो आपको यहाँ पर टैबें मिल जाएंगी, जिस भी आप क्लास का यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 5 का हिंदी इंग्लिश या फिर 6 का, तो जिस भी क्लास का आप देखने वाले हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस वाले वीडियो पर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन से पूरी वीडियो यहाँ पर खुल जाएंगी, आप जिसको भी प्ले करना चाहते हैं तो उसको आप प्ले करके देख सकते हैं, हम सबकी प्ले